साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें बताएंगे जिनके काम और टेक्नोलॉजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसीलिए हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रैक्टम ब्रेकर, ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन पत्थर को प्रेस करते समय उस पर 300 किलो जूल्स तक एनर्जी डाल सकती है। इतनी बड़ी ताकत के साथ ये मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को चुटकियों में तोड़ सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा, ये मशीन उतनी आसानी से उस पत्थर के टुकड़े करेगी। आयरन शेयरिंग, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। ये मशीन भारी से भारी लोहे को ऐसे काटती है जैसे कोई तोता मिर्ची को अपनी चोंच से काट रहा हो। इस तरीके से उस मशीन की मदद से भारी लोहे को स्क्रैप में बदल दिया जाता है ताकि इनका फिर से रिसाइकिल किया जा सके। बिगेस्ट श्रेडर, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल श्रेडिंग मशीन है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन को देखकर आसानी से लगा सकते हो। ये मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत गाड़ियों को बड़ी आसानी से चूरा चूरा कर देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी पुरानी गाड़ियों को रिसाइकिल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट शेयर, कैंची की तरह दिखने वाली खतरनाक मशीन पुरानी इमारतों को तोड़ने और कंक्रीट से लोहे की रॉड को अलग करने का काम करती है। ये मशीन हार्ड से हार्ड कंक्रीट को कतर के रोड से अलग कर देती है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन के काम को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। मजदूरों द्वारा इस काम को हथौड़े से करने में काफी टाइम लगता है और मजदूरों की सेफ्टी भी नहीं रहती, लेकिन इस मशीन के साथ मजदूर काफी दूरी से सेफ्टी के साथ इमारतों को आराम से तोड़ सकते हैं और वो भी कम से कम समय में। डायनेमिक कॉम्पैक्शन, इस मेथड के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट वाली मिट्टी को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से सरफेस के ऊपर हैवी वेट गिराया जाता है। इस तरह हैवी वेट को बार बार गिराने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। स्काईस्क्रैपर डिस्ट्रॉयर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने विशाल हाइड्रोलिक आर्म पर लगे पंजे की मदद से बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को बड़ी आसानी से तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से निपटने के लिए पानी का फव्वारा भी लगा हुआ है। ये पानी का फव्वारा इमारतों को तोड़ने में मशीन की हेल्प करता है। टनल बोरिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल टनल यानी कि सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि ये मशीन जो सुरंग बनाती है उसमें 4 लाइन रोड आसानी से बनाई जा सकती है। ये मशीन सुरंग बनाते समय सुरंग की दीवारों को भी शेप देते जाती है। ये मशीन मजबूत से मजबूत जमीन को खोदकर आसानी से रास्ता बना देती है। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है। इस मशीन की मदद से कई सालों का काम सिर्फ चंद सालों में हो जाता है। लैंडपैक मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल रोड को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये काम रोलर भी करता है, लेकिन ये मशीन रोलर से 4 गुना ज्यादा फास्ट काम करती है। और ये मशीन अपने अजीबोगरीब बनावट की वजह से रोड को ज्यादा प्रेशर से दबाती है, जिसकी वजह से रोड बनाने वाली मटीरियल को काफी जल्दी दबाकर एक मजबूत बेस बनाया जा सकता है। चैन ट्रेंचर, गैस, ऑयल और वाटर किसी भी तरह की पाइपलाइन बिछाने के लिए या फिर नालियां बनाने के लिए जमीन को खोदना पड़ता है, जिसमें मजदूरों की बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ काफी ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन इसी काम को बहुत आसानी से करती है ये मशीन। ये मशीन बड़ी तेजी से जमीन को खोदते हुए मिट्टी को बाहर निकालते जाती है। ब्रिज मेकर, इस मशीन का इस्तेमाल ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये मशीन सालों का काम कुछ दिनों में कर डालती है। ये मशीन पहले से बने हुए ब्रिज के बड़े बड़े ब्लॉक को उठा उठा कर बिल्कुल सही जगह लगाती जाती है। इस मशीन की मदद से कई किलोमीटर लंबा ब्रिज सिर्फ चंद दिनों में बनाया जा सकता है। फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स, ये एक इमारत बनाने वाला क्रांतिकारी रोबोट है। इस रोबोट को एक बार आदेश देने पर यह रोबोट ऑटोमेटिक एक अच्छी खासी इमारत को रेडी कर देता है।
इस रोबोट में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिसकी मदद से रोबोटिक मशीन ईंटों को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ धकेलते आती है और बगैर किसी गलती के ये मशीन बड़ी तेजी के साथ एक एक ईंट को जमाती जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग। इस मशीन का इस्तेमाल जमीन के नीचे खान खोदने के लिए किया जाता है। सदियों से खान खोदने का काम मजदूरों द्वारा किया जाता रहा था जिसमें सबसे पहले खुदाई वाली जगह पर ब्लास्ट किया जाता था, उसके बाद मजदूर खुदाई का काम शुरू करते थे जिसमें समय भी ज्यादा लगता था और कई मजदूरों को चोट भी आ जाती थी। लेकिन इस मशीन ने खान खोदने का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये मशीन बहुत तेजी के साथ खान खोदने का काम करती है। ट्रेलर डेक गन। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अक्सर शहरों से काफी दूर बनाई जाती है, इसीलिए इन जगहों पर आग बुझाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए इन जगहों पर इमरजेंसी के लिए छोटे मोटे तालाब भी बना दिए जाते हैं। ऐसी जगह पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में लगे पंप पानी को खींचकर आग बुझाने का काम करते हैं। लॉग स्टैकर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के कई सारे लॉग्स को एक साथ उठाकर बगैर गिराए बड़ी आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देती है। स्लीपर चेंजर। ये मशीन ट्रेन की पटरियों के नीचे लगे स्लीपर को चेंज करने का काम करती है। जब ये स्लीपर्स खराब हो जाते हैं तो उन्हें बदलना बहुत जरूरी होता है। इस मशीन में टू टाइप के अटैचमेंट लगे होते हैं जिसकी मदद से पहले तो ये मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर पुराने स्लीपर को बाहर निकाल लेती है और फिर एक नया स्लीपर लगा देती है, जिसके बाद एक वर्कर जल्दी से स्लीपर को टाइट कर देता है, जिसके बाद ये मशीन उन छोटे छोटे पत्थरों को वापस बिछा देती है। फ्लड इरिगेशन। इस मशीन को आप फर्स्ट टाइम देखकर समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ये मशीन क्या कर रही है। दोस्तों, पहले तो ये मशीन जमीन को इस तरीके से काटते जाती है और फिर इस कटी हुई जगह में पाइप डालकर इस तरीके से पैक कर दिए जाते हैं। इन पाइप्स का एक किनारा फसलों की तरफ और दूसरा किनारा बनाई गई सूखी नहर की तरफ होता है। उसके बाद जैसे ही नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी धीरे धीरे फसलों की तरफ जाने लगती है। इस तरीके से पौधों को प्रॉपर पानी की सप्लाई मिलती है। ऑक्सबो कटर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या खेतों में उगने वाले अनवांटेड घास को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जिसकी वजह से मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को आसानी से क्लीन कर देती है। ये मशीन घास को काटते हुए एक लाइन में जमा करते जाती है जिसकी वजह से घास को उठाने में काफी आसानी होती है। स्नो प्लविंग। कई सारे बर्फानी इलाकों में बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि बर्फ की मोटी मोटी परत जमा हो जाती है जिसकी वजह से जमीन और ट्रेन की पटरियां पूरी तरह से गायब हो जाती है, इसीलिए इन्हें हटाना बेहद जरूरी होता है और इसी काम के लिए इस पावरफुल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेन के आगे लगी पावरफुल ब्लेड्स बर्फ को काट कर अपने अंदर ले लेती है और फिर ऊपर से एक किनारे फेंकते जाती है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक साफ हो जाता है और ट्रेन आसानी से सफर कर सकती है। वैसे इन ट्रेन्स को बर्फ हटाते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। बकेट व्हील। ये शक्तिशाली मशीन पहाड़ों को काटने का काम करती है। इस मशीन में एक बड़ा सा व्हील लगा होता है। ये व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करते रहता है। इस मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों को काटने और कोयले की खान खोदने में किया जाता है। हाइड्रोलिक बेलर। कार पुरानी हो जाने के बाद जब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो इन कारों को स्क्रैप करके रिसाइकिल किया जाता है, इसी काम के लिए इस हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बड़ी बड़ी कारों पर इतना वजन डालती है कि बड़ी बड़ी कार छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। मार्बल एक्सट्रैक्शन। मार्बल को निकालने के लिए काफी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बड़ी बड़ी चैन सो की मदद से इन बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक को काट लिया जाता है और फिर इन काटे गए ब्लॉक्स को कुछ एक्सकेवेटर की मदद से काफी सेफ्टी के साथ नीचे गिराया जाता है और फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को लोडर के जरिए डंपर तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद डंपर की मदद से इन मार्बल को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में इन मार्बल के ब्लॉक्स की कटिंग और पॉलिशिंग करके इन्हें शोरूम में रख दिया जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको जरा से भी नॉलेज मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी ऑन कर लो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे।